हमारे एरिया में यहाँ पे एक बहुत होती है गन्ने, गन्ने के खेत मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको। आप चाहे जिधर देख लो आप, आपको सिर्फ एक ही मिलेगी। सबसे ज़्यादा गन्ना होता है हमारे एरिया में, उत्तर प्रदेश तो वैसे भी नंबर एक पे है। सबसे ज़्यादा खेती होती है गन्ने की और आलू की होती है। आलू में भी नंबर एक पे उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा खेती आलू की यहाँ पे होती है। गन्ना भी बहुत होता है यहाँ पे। अभी देखिए खेतों में से आलू ही छांट रहे हैं, ये आलू का खेत था, अभी ये आलू छांट रहे खेतों में से। और ये साइड में आप देख सकते हो सुअर फार्म। फार्मिंग होती है, किसान भाइयों का गाय बैल खड़े हैं। कितनी केड़ी धूप, और धूप में देखो छोड़ लगा रखी किसानों ने, कितना मेहनत का काम है। राशिद भाई चलो गन्ना खाने चलते हैं, चलो एक गन्ना खाते हैं यहाँ से। तो राशिद भाई ने बाइक घुमा ली, अब खाएंगे गन्ना। अभी वैसे किसी भी किसान से आप गन्ने के लिए बोलोगे कोई भी मना नहीं करते, किसान लोग कभी मना नहीं करते आपको गन्ना खाने के लिए। यहाँ पे देखो छोर लग रही है एक की, गन्ने काट रही हैं यहाँ पे। राशिद भाई चलते हुए आगे आगे और मैं उनके पीछे। चलो गन्ना खाते हैं दोस्तों, आपके बोलो कम आओ आओ गन्ना खाते हैं चलो। अभी हम जा रहे हैं गन्ना खाने, देखते हैं किस तरह की है गन्ना खाने लायक है, कौन सा बीज है, क्योंकि बहुत सारे बीज इस तरह के तो बहुत हार्ड होते हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा रस नहीं होता। हाँ ऐसा भी होता है ना, अलग अलग नस्ल आ रही है, अब तो एक नई नस्ल आई है, उस दिन देख रहे थे हम राशिद भाई। हाँ तो पूरा ट्रॉली रखवा के उसमें गन्ने खींच के बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी नस्ल आई है गन्ने की। देखो भाई ताऊ जी कितने अच्छे हैं, देखो बोल रहे हैं कि चाहे कितने भी गन्ने खाओ कोई मना नहीं। ताऊ जी ने गन्ना दिया काट के, तो आपने देखा अभी किसान का दिल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। एक एक छोटा सा गन्ना लेने के लिए गए थे हम, कि एक गन्ना खा लें क्या, उसने कहा को भाई एक नहीं था जितने खा लो आप लो। उसके बाद एक गन्ना दिया, फिर एक गन्ना बोले कि बच्चे भी हो तो उनके लिए भी ले जाओ। हमने कहा नहीं बच्चे बच्चे तो नहीं है हमारे साथ, कह रहे आप ले जाओ, और ले जाना चाहते तो ले जाओ। ये होता है दिल, किसान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। भाई सब्सक्राइब कर लो अब तो, देखो और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को आगे शेयर भी करें प्लीज़, और लाइक भी करते रहिए। खेत में गन्ने का खाने का एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, एक अलग ही लुत्फ है। और सबसे अच्छी बात है बड़ी बेहतरीन एकदम सुपर वाली हवा चलती होती है, चारों तरफ तुम्हारा ग्रीनरी होती होती है ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ यह है कि पॉल्यूशन तो आप कह सकते हैं कि ना ही के बराबर होता है, और उसमें ये देसी गन्ना सुपर। मतलब मज़ा आ गया बस ये कह सकते हैं। ये आलू है,
अच्छे ये आलू है, अभी छोटे पौधे हैं इनके, आलू भी है कुछ निकल जाएगा तो पक गया, आलू का टाइम हो गया। हाँ नए आलू भी आने लगा मार्केट में, और ये भी शायद आलू का ही खेत था, इसमें से आलू निकाले हैं अभी। हाँ शायद आलू का रहा होगा बट नॉट सो श्योर। अभी तो सरसों देखो पकी, पक गई है कुछ कुछ सरसों तो बिल्कुल पकी गई है, मुझे लग रहा है कि शायद नेक्स्ट मंथ में सरसों मतलब निकल ही जाएगी, क्योंकि कुछ तो अभी ग्रीन ग्रीन लग रही है, लेकिन कुछ अगर देख रहा हूँ ना बिल्कुल एकदम आ गई है, पक गई है। बीज भी काफ़ी मोटा हो गया इसको, जो दाने रहते हैं सरसों के। और देखो आपको दिखाएं गेहूं भी पक गया है, देखो गेहूं मतलब गेहूं की बाल निकल के आ गई है, ये देखिए आप। नेक्स्ट मंथ में शायद गेहूं पूरा अच्छे तरीके से पक जाएगा। गेहूं तो बस होली के बाद, अब जब कटना शुरू हो जाता है होली के बाद। इधर एक गन्ने के खेत, गन्ने तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। बस ये एंड चल रहा है, एंड क्या अभी तो चलेगा शायद कई महीने तक, गन्ना रहेगा ही क्योंकि कुछ छोटे मोटे जो कोल्लू होते हैं उन पर गन्ना सप्लाई होता है। लेकिन ये है कि हाँ अभी इतना गन्ना होता है कि लास्ट तक भी गन्ना खड़ा ही रहता है हमारे यहाँ। ये मटर है, अच्छी मटर है, ये मटर का खेत है, ये फिर से गेहूँ है शायद, ये पछत्ता गेहूँ है, ये बाद में बोया हुआ। ये हमारे यहाँ की गंग नहर है, इसकी अभी व्लॉगिंग की थी हमने, ये फाटक लगा रखे हैं इसके, देखो पानी की आवाज़ कितनी तेज आ रही है। बलेनो दूल्हे की गाड़ी, तो दोस्तों अभी हम लोग आ रहे हैं जो छोटी जो गंग नहर पड़ती है हमारे यहाँ से, और अभी अभी बड़ा तरोताज़ा हो गया है गन्ना खाने के बाद, क्योंकि एकदम फ्रेश फ्रेश गन्ना खाया हम लोगों ने खेत पर से लेकर के, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवाएं अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो ही रहा है ऑब्वियसली। अगर मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, तो बिल्कुल एकदम मौसम बना हुआ है अच्छा वाला। तो गाइस आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ आगे भी, और आपको अच्छे अच्छे लोकेशन के हम शेयर कराएंगे आज जो प्लानिंग है हमारी। बाकी आप हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। दूसरा, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, वी वॉन्ट योर सपोर्ट दोस्तों। सो प्लीज़ कीप इंजॉइंग वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।